हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेस्ट बुक। गाइस, आज हम लोगों के साथ में प्रद्युम्न शर्मा है जो कि राइट नाउ गेट 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 11 है। तो सबसे पहले प्रद्युम्न, आपको कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल टेस्ट बुक टीम। कैसा फील हो रहा है राइट नाउ यार? थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर अभी, और बस काफी एक्साइटेड हूँ आगे की जर्नी के लिए। काफी एक्साइटेड हो आगे की जर्नी के लिए। सो प्रद्युम, ये बताओ यार, ये जर्नी जो थी गेट की, ये कब से शुरुआत करी थी? मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं, थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जी सर, मैं बेसिकली गुना का रहने वाला हूँ, ये एमपी में आता है। और मैंने अपनी स्कूलिंग बेसिकली केंद्रीय विद्यालय गुना से की है, कंप्लीट स्कूलिंग। उसके बाद 2019 में मैंने SGSITS इंदौर ज्वाइन किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है। और मैं 23 बैच का पास आउट हूँ, मतलब अभी पास आउट नहीं हुआ, अभी फाइनल ईयर में हूँ। ओके, सो आप SGSITS से पास आउट हैं, राइट? सो कौन कौन से प्रोफेसर्स मिले थे आपको वहां पे? SGSITS में सर बेसिकली HK वर्मा सर जो हमारे डायरेक्टर थे पहले, एचओडी, और यस सर, हाँ सॉरी HOD थे, राइट और अभी अरुण सर हैं HOD, राइट और मंडलोई सर और शैलेंद्र सर, काफी ये शैलेंद्र सर ने टीचर्स। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टीच किया होगा अच्छे से, एकदम डिटेल में, यस सर, यस सर। राइट राइट। सो प्रद्युम, उसके बाद से, यानी कि वहीं से आपकी एक गेट की जर्नी स्टार्ट होती है, राइट? तो यस सर। प्रद्युम, कैसे स्टार्ट किया, मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला कि यार गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज आज की डेट में तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक नेगेटिव वे में जाने लगे हैं कि गेट के थ्रू मेरा कुछ होता नहीं है, गेट का रिजल्ट ऐसा हो गया है, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला मतलब? मोटिवेशन तो सर जिस दिन से कॉलेज में एंटर किया था, पहले दिन से ही गेट का ही सोच के किया था कि कॉलेज के बाद गेट में कुछ ना कुछ रैंक लेके जानी है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में एंटर कर रहा था उस टाइम जेई मेन के थ्रू एंटर किया था, और मेन्स और एडवांस में इतना अच्छा हो नहीं पाया था। टारगेट तो बेसिकली IIT था, पर उस टाइम इतना अच्छा नहीं कर पाया, तो यही सोच के किया था कि अब इतनी मेहनत करेंगे कि MTech के लिए मिल जाए। और MTech के बाद जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो तो फिर IIT और IISc का एक्सपोजर ही सर अलग होता है। राइट। तो आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हो, वहां के वो सीनियर्स का जो एक्सपोजर है आपको कि भाई IIT में जाना है, वो मजा आता है जो सीनियर्स को आपने देखा होगा जाते हुए MTech के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग वाला पार्ट बना होगा। यस सर, वही काफी सीनियर्स हमारे कॉलेज से काफी सीनियर गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं और अच्छी अच्छी रैंक लेकर आते हैं, तो उन्हीं का जब प्रोफाइल वगैरह देखते हैं तो लगता है कि हाँ करना चाहिए। सो मयंक सर, हाँ सर, हाँ सर, तो यार प्रद्युम, कैसे मतलब जब गेट की स्टार्ट जर्नी करी, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स कवर अप किए, कैसे मतलब कहाँ से आपने प्रिपेयर करने की कोशिश करी, कैसे स्टार्ट किया था? जी सर, तो बेसिकली मैंने सेकेंड ईयर में ये स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर में मैंने पहले एक ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन किया था, और ऑफलाइन सेंटर पे जब मैं बेसिकली थर्ड ईयर में था तब मैंने पहली बार गेट अटेम्प्ट किया था, एंड उस टाइम इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। रैंक सर थर्ड ईयर में मेरी इलेक्ट्रिकल में 3800 रैंक थी, राइट, एंड उस टाइम सब्जेक्ट कवरेज की बात करें तो ऑफलाइन सेंटर पे जैसे चल रहे थे पहले मैथमेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और पहले जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं, जैसे नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग, कंट्रोल फंडामेंटल्स, सिग्नल। राइट, यस सर, यही बेसिकली पहले पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो नॉन कोर तो अच्छे से लगभग कर लिया था टाइम पे, कोर इतना अच्छे से हो गया था। फिर उसके बाद हाँ, राइट, चलेगा, यस, फिर उसके यस, बाद जब थर्ड ईयर का गेट दिया मैंने, और उसके बाद फिर कोविड खत्म हो गया था, एंड उसके बाद फिर हमको ऑफलाइन अपना कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। और उस टाइम फिर मैंने ऑफलाइन सेंटर की कोचिंग छोड़ दी थी, फिर मैंने अपने आप से फिर प्रिपेयर करने का स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर मैंने मयंक सर से मशीन्स का एक क्रैश कोर्स मयंक सर का किया था मैंने, और ये मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, ये बेसिकली तीन सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे पहले नहीं आते थे इतने अच्छे से, पर फिर मतलब पूरा मैंने, था, पूरा कोर पार्टी था, हाँ बेसिकली पूरा कोर पार्ट ही था जो मेरा काफी कमजोर था। पर इस साल राइट, फिर मैंने इस पर मेहनत की, काफी लगभग 4-5 महीने कोर पार्ट पे ही काम किया मैंने अपने। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज और रिवीजन वगैरह अच्छे से किया। राइट राइट राइट। तो ये जैसे जब आपने प्रद्युमन, जैसे पहले ऑफलाइन पढ़ा आपने, अब फिर यस आप
नो डाउट, ये तो आप मजबूरी के कारण ऑनलाइन में आए थे, ऐसा नहीं था कि क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं, मगर जब आप ऑनलाइन में आए तो आपको क्या डिफरेंस लगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में, मतलब क्या ऑनलाइन में एडवांटेज लगा आपको कि क्या चीजें, और क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस था कि यार ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या आपको लगता है उसमें? ऑनलाइन का सर एक फायदा ये कह सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो इतना ज्यादा जो कहते हैं कम्यूट होता नहीं है कॉलेज स्टूडेंट के पास, तो काफी टाइम ट्रेवलिंग में चला जाता था, कोचिंग जाना आना और मोस्टली पैदल ही करना पड़ता था, क्योंकि वो इतनी दूर भी नहीं थी कि आप कोई रिक्शा लो या कोई ऑटो लो। तो बेसिकली उसके बाद फिर काफी एग्जॉस्टेड फील करते थे एज़ सून एज़ यू एंटर योर रूम। तो उस टाइम पे फिर लगता था कि ऑनलाइन हो तो ज्यादा अच्छा, एंड फिर नेक्स्ट ईयर यही रहा कि ऑनलाइन था तो अपने पेज से, और स्पेशली ऑनलाइन में आपके पास ये भी रहता है कि आप अगर लेक्चर लेन दी है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, तो उसमें आपको यही फायदा रहता है कि आपको कम टाइम में आपका लेक्चर भी हो जाता है, उसके बाद फिर नोट्स वगैरह भी प्रॉपर, आपको अगर कहीं से छूट गया तो आपको नोट्स के लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सर प्लीज रिपीट कर दो या ऐसा कुछ। नहीं, वो ऑनलाइन एक ये जैसे क्रैश कोर्स था, क्योंकि क्रैश कोर्स तो लाइव था, तो आपने लाइव बिल्कुल अटेंड किया था या रिकॉर्डेड देखा था? क्योंकि दोनों चीजें ऑप्शन में रहती हैं, लाइव भी देख सकते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, तो आपने क्या अटेंड किया था? मैंने सर रिकॉर्डेड अटेंड किया था। रिकॉर्डेड अटेंड किया था। ओके ओके क्या ठीक है। अटेंड करना चाहिए, लाइव जहाँ बच्चे को प्रेफर करना चाहिए, रिकॉर्डेड प्रेफर करना चाहिए? मतलब अगर बच्चा खुद से टाइम मैनेज कर पा रहा है, राइट, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड का एक ही चीज है, एक बच्चा होता है ना, जब बच्चा पढ़ने आता है तो उसको लगता है कि सर रिकॉर्डेड देखूंगा तो कभी देख पा रहा हूँ कभी नहीं देख पा रहा हूँ, वो एक आलसपन आ जाता है उसके अंदर, बट लाइव में उसको पता रहता है कि रोज पढ़ने आना है, तो एक क्या रिकॉर्डिंग इज गुड, क्या लगता है प्रद्युम? सर अगर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे को सर आपको मतलब डाउट ज़्यादा आते हैं समझ में, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक किसी टीचर से या कोई सब्जेक्ट हमको इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं, तो फिर लाइव में आपके पास वहीं के वहीं तुरंत आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप पूछ सकते हो डाउट। एंड रिकॉर्डेड का सर ये फायदा है कि आप एनी टाइम देख सकते हो अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो, और आपकी पेस पर देख सकते हो उसे आप स्लो फास्ट करके। सही। नहीं, और एक और चीज सर इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, रिकॉर्डेड में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस टीचर का होता है, मैं हाँ एक पॉइंट रख रहा हूँ, मैं सारे ही एक्सपीरियंस टीचर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, उनको इतने साल पढ़ाते हुए आ गए कि उन्हें पता रहता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे डाउट आने वाला है, तो हाँ हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं एक वो वहीं पे सीक्वेंस पुश करेंगे, वो हम वहीं पे पुश करेंगे कि यार यहाँ पे डाउट आएगा इसको, तो आएगा। वो चीजें थोड़ी सी ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाती है। हाँ, तो स्टूडेंट को चाहे वो रिकॉर्डिंग देखे चाहे वो लाइव देखे, तो वहां पे काफी कुछ स्टूडेंट कंफर्टेबल ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि अगर जो नए फैकल्टीज होते हैं, मैं ये नहीं बोलता वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते, वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छे सीक्वेंस में रखते होंगे, मगर बस एक्सपीरियंस होल्डर के पास थोड़ा सा ये एडिशन आ जाता है कि उसने ऑलरेडी इतने डाउट सुन चुके होते हैं कि वो अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट कर चुका होता है, राइट तो ये फायदा हो जाता है स्टूडेंट्स को इस चीज में। क्यों प्रद्युम्न, सही कह रहा हूँ मैं? यस सर, अगर जैसे आपसे ही पढ़ता था तो मैं तो रिकॉर्डेड ही लेता था, पर ऐसा जैसा कोई डाउट रहता नहीं था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे मशीन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है कोर सब्जेक्ट्स में? सर पूरा आपका परफॉर्मेंस बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए PYQ के अलावा, जैसे PYQ तो एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से टेस्ट करने के लिए होती है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जाना है तो जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक बेसिकली आपको अप्रोच सिखाती है किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो दोनों ही करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। जरूरी क्योंकि सर गेट ऐसा एग्जाम है जिसका हमारे पास PYQ होते हैं, प्रॉब्लम कुछ ऐसे भी एग्जाम है जैसे बार के, अब उसका PYQ नहीं है हमारे पास, तो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। होती जिस एग्जाम के PYQ हमारे पास हैं, स्टूडेंट का पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि PYQ के हर क्वेश्चन पे वो कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन को वो अच्छे से जान चुका हो, उसके बारे में एक एक कोने की चीजों को देख चुका हो। तो राइट सुमन ने भी जब मेरी पहले भी बात हुई थी तो उसने यही बताया था कि सर मैंने ना PYQ पहले मेरे से नहीं लगते थे, बाद में जब PYQ लगने लगे तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं PYQ लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट PYQ का तो सर ऐसा भी रहता है ना, जैसे मोस्टली हम लोग टीचर्स लोग जब सब्जेक्ट को भी डील कर रहे होते हैं तो बहुत सारे PYQ साथ में डील करते हुए चलते हैं, तो वो बिल्कुल एक बेस बना हुआ रहता है बच्चे का, और वो कहीं ना कहीं PYQ कुछ तो उसके पहले भी देखे हुए रहते हैं, और कुछ होते हैं जो वो खुद अटेम्प्ट कर लेता है। बट उसके बाद भी कैसा था सर कि एक बच्चे को जब प्रिपरेशन के दौरान अक्टूबर नवंबर तक पहुंचता है तो फिर उसको लगता है कि मेरे को बहुत सारे कहीं से क्वेश्चंस ला के दो, क्योंकि अब वो पढ़ के तो बैठ गया सारे सब्जेक्ट, तो अब उसकी नीड वो क्वेश्चंस वाली हो जाती है, मुझे कहीं से क्वेश्चंस ला के दो, और फिर वो अटैक करना चालू करता है टेस्ट सीरीज के ऊपर।
तो यार प्रथम टेस्ट सीरीज का मतलब कैसी जनी रही, मतलब टेस्ट वगैरह कितने क्या दिए? मतलब क्या होना है आज के डेट में, एक ग्रेट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के मन में ये आ चुका है कि बहुत सारे टेस्ट देना होता है, एक एक स्टूडेंट मल्टीपल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेता है, बट इम्पोर्टेंट है कि कितने मैक्स टू मैक्स दे सकता है या एटलीस्ट कितने उसको दे देने चाहिए। उसकी देने की तो कोई लिमिट है नहीं, बट कितना एक सफिशियंट होता है कि हाँ इतना दे देगा तो एक बच्चा रहेगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने अच्छे से तैयारी करी है। यस सर। सर मेरे केस में मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो जब मैं एक बार मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए तो उसके बाद जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त में मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैं सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किए थे। मैंने रिवीजन करता था फिर सब्जेक्ट टेस्ट देता था, तो इस टाइप से आपको सब्जेक्ट टेस्ट मैंने कवर किए थे। उसके बाद सर जो फुल टेस्ट है वो नवम्बर में देना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम फ्रिक्वेंसी कम रहती थी, मतलब एक महीने में 4 या 5 फुल टेस्ट हो पाते थे। और सर दिसंबर में हमारे एंड सेमेस्टर्स आ गए थे तो उसके कारण दिसंबर में ही मैं कमी दे पाया था। पर मुझे लगता है कि मतलब हाँ टेस्ट तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने दो उतने कम हैं, और फुल टेस्ट भी बेसिकली एक इंस्टीट्यूट की बजाय अगर 2-3 इंस्टीट्यूट के आपके पास टेस्ट होंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट वो अपने तरीके से डिज़ाइन होते हैं, और अगर आप 4-5 टेस्ट लगा लोगे तो फिर उसमें आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने लगते हैं। पर एज सुन एज आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का एकदम से लगाओगे तो उसमें आपके नंबर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो उस केस में अगर आप 2-3 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अगर बात करें कि कितने टेस्ट सफिशियंट रहते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट के पास 10-12 फुल टेस्ट रहते हैं, बिल्कुल और अगर आप 2-3 इंस्टीट्यूट के लगाओगे अराउंड 30 फुल टेस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। मैंने भी इतने लगाए थे। ओके ओके। सो प्रद्युम, टेस्ट बुक के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, मतलब अभी हुई थी, पहले हुई थी, कब से स्टार्ट जुड़े हुए हो मतलब? सर टेक्स्ट बुक के साथ काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ मैं 2021 में, और जब 2022 में मैंने अपना पहला गेट दिया था उस टाइम मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अटेंड की थी, और सेकेंड बार भी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अटेंड की थी। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में जो एक यूनिक चीज़ है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो भी टेस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट के साथ साथ जो सब्जेक्ट के रहते हैं, सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में रहते हैं, तो वो एक तरीके से जो काफ़ी बच्चे ऐसा मतलब होता है कई बार कि हम टेस्ट क्वेश्चंस लगा रहे हैं PYQ में, पर हम काफ़ी समय लगा दे रहे हैं और काफ़ी टाइम से एक ही क्वेश्चन पैट के हुए हैं, या बहुत समय बैठ रही है पर 10 या 12 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। तो उस केस में अगर आपके पास टेस्ट के फॉर्म में एक PYQ है तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, वो काफ़ी जल्दी से आप कवर कर पाएंगे फिर PYQ को। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा बच्चे का, PYQ भी हो जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। सर आज के टाइम में मैं जितने टॉपर से बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि टेस्ट बुक की अब तुमने टेस्ट सीरीज ली है कि नहीं, तो हर, मैं बता रहा हूँ प्रद्युमन, हर स्टूडेंट बोल रहा है कि हाँ टेस्ट बुक की हमने ली है। और फिगर जो आपने मेरे को बताए थे, सर ने, मोहित सर ने मुझे बताया थे कि 2022 से 23 के बीच में टेस्ट बुक ने 65,000 65,000 अराउंड इलेक्ट्रिकल में, सिर्फ इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो बच्चों ने रजिस्टर कराया। तो ये मतलब ये ऐसा डेटा है जो हर कोई विश्वास नहीं करता है, मगर आप हर उसे स्टूडेंट से आप पूछोगे ना, वो बताता है कि टेस्ट बुक की हमने टेस्ट सीरीज ली है। और टेस्ट सीरीज इतनी शानदार है, उसके बाद अब जब से इलेक्ट्रिकल और गेट का अगर हम बात करें, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, सबका जब से हमने ये कोर्स भी किया है, तो मेरे को लगता है कि और बेटर हो जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ से स्टूडेंट को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बेटर हो जाएगा, बिल्कुल। प्रद्युम, नेटवर्क कैसे पढ़ा था, नेटवर्क मतलब कहाँ से पढ़ा था? आपने इसे बताया कि ऑलरेडी कोर सब्जेक्ट आपने मयंक सर से भी पढ़े हुए हैं, मशीन पढ़ा हुआ है, नेटवर्क वगैरह कैसे पढ़ा? नेटवर्क सर जब मैं एक्चुअली जब मैं सेकेंड ईयर में आया था हाँ तब उनको इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क पहला ही सब्जेक्ट रहता, पहले थर्ड सेमेस्टर में नेटवर्क एनालॉग ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि नेटवर्क फंडामेंटल है और ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस बिल्कुल कह सकते ऊपर से जा रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतना। पर फिर रजनीश सर से जो अभी सारे टेक्स्ट बुक में है, रजनीश सर से पढ़ा और उनसे पढ़ के फिर बेसिकली KVL KCL से ही जो फंडामेंटल बना और जो सॉल्व करना मतलब सर्किट को सॉल्व करना बेसिकली आया उस टाइम पे, जो वो फंडामेंटल होता है, उसके अलावा वो अगर नहीं होगा तो जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं पावर सिस्टम और जो मशीन है वो पर नहीं बन पाएंगे, तो वो वहाँ पे बेसिकली बेसिक वहाँ से बना नेटवर्क से। राइट राइट। तो रजनी सर से आपने नेटवर्क पढ़ा हुआ था, फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा तो सर प्रद्युमन, ये जैसे आप बता रहे कि लास्ट ईयर आपके 3,800 रैंक थी, तो जैसे कई स्टूडेंट की इस बार भी ऐसा होगा कि कोई 4,000 पे होगा, कोई 5,000 रैंक पे होगा, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है कि कई बार हम गेट देते हैं, अपना स्कोर उतना अच्छा आता नहीं है, तो
तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि इस बार मेरे को और अच्छी तरीके से तैयारी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई स्टूडेंट होंगे अभी इस साल सर जो बहुत हाईली डिमोटिवेटेड होंगे कि उन्हें सर बहुत सारे 6000 तो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मतलब आप देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बच्चों की रैंक 8000 10000 पहुंच रही है वो भी 18 मार्क्स पे, वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट 18 मार्क्स ओनली, 18 नंबर है और उस बच्चे की रैंक 8500 है, मतलब 8500 बच्चे ही ऐसे थे जो 18 नंबर के ऊपर नंबर लेके आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा डीमोटिवेट तो है। और रही बात ऐसी कि गेट का जो एग्जाम है वो हम लोग इतने सालों से देखते ही आ रहे हैं, इस बार का पेपर नो डाउट मैंने तो सर अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा था, राइट, आपने भी सर नहीं देखा, आप कभी आपने भी नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा पैनिक तो हुआ ही है, और पेपर का लेवल भी ऐसा था कि बच्चा अगर एग्जाम प्रेशर हैंडल कर पाता तो शायद जो उसके एग्जैक्ट मार्क्स से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाता। तो मैं प्रद्युम्न से यही पूछूंगा, प्रद्युम्न यार एग्जाम इस बार का जो पेपर था वो हाईली अनएक्सपेक्टेड था, अगर हम एक ऑनलाइन किसी भी स्टूडेंट के बारे में बात करें तो, आप ऑल इंडिया रैंक 11 हो, कैसे वो एग्जाम प्रेशर हैंडल किया? जी सर, पहले तो सर मयंक सर ने जो पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो मयंक सर ने पूछा था कि रैंक आप अगर आपकी कम आती है तो कैसे मोटिवेट होती है, तो सबसे पहली बात यह है कि गेट में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो मोटिवेशन, या अच्छा परफॉर्म करना छोड़ भी दें, अगर आपको लगे रहना गेट की प्रिपरेशन के लिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब अगर मैं देखूँ बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाइड हैं थर्ड ईयर में, आप जो एक साल आपके क्वालिफाई कर चुके हैं उसमें से भी 50-70% छोड़ देते हैं, आगे अटेम्प्ट नहीं करते, तो मोटिवेशन आपको बनाए रखना पड़ेगा। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर, मतलब एक आपका स्कोर आ चुका है पर वो कम है, तो वो इसीलिए शायद कम है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपने छोड़ दिए होंगे और रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया होगा, तो जो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए हैं अभी काफ़ी समय, एक साल का समय पहले, वो अच्छे से कवर कीजिए, और जब थोड़ा वो कवर हो जाए तो फिर रिवीजन और टेस्ट सीरीज, वो एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाए और रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज, तो फिर वो आराम से अच्छा हो सकता है। और उसके बाद सर आपने बोला कि एग्जाम प्रेशर कैंसिल, तो सर बिल्कुल मतलब सही बात बोली सर आपने कि उस टाइम, इस बार ऐसा ही हुआ था कि उस टाइम काफ़ी पैनिक, मैं खुद काफ़ी पैनिक कर गया था क्योंकि टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ रहे थे, पर एकदम से वहाँ पे जब एक के बाद एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, तो काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपने पहले नहीं देखे एंड काफ़ी डिफिकल्ट कह सकते, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही थे सर इस बार, तो वहाँ पे वही है कि वहाँ पे बस थोड़ा पेशेंस रख के अटेम्प्ट करते गए, धीरे 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 करके एक बार कवर किया पूरा एक बार। और जब ऐसा, मतलब मैंने पर्टिकुलरली ऐसा किया था कि अगर पेपर टफ लग रहा है तो मैंने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय एक बार पहले पूरा पेपर कह सकते चेकआउट कर लिया था कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाद एक बार जब मेरे पास एक घंटा के अप्रोक्स बच गया था लास्ट में, तो उसमें फिर जो मेरे से नहीं बने थे या बिल्कुल जो मैंने डेटा देख कर या जो लेंदी देखते हैं वो छोड़ दिए थे, बाद में वो पेशेंटली अटेम्प्ट करे मैंने, और होपफुली शायद कुछ उनमें से सही भी हुए। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जैसे प्रद्युम्न, एक मार्क्स के क्वेश्चन थे कुछ जैसे पावर सिस्टम के कुछ, और बहुत लेंदी थे, तो मतलब क्या तुमने वो पहले ही सॉल्व करे या उसको होल्ड किया या क्या होता है? जैसे इकोनॉमिक ग्लू डिस्पैच का बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब ईजी रहता है टॉपिक मगर क्वेश्चन बहुत लेंदी था, तो ऐसा स्टूडेंट कई बार ट्रैप भी हो गए, कई स्टूडेंट बोले सर वो क्वेश्चन मेरे को करना ही था क्योंकि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का है, और वो हम अटक गए उसमें और कम से कम 15-20 मिनट निकल गए, तो ऐसा भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ या फिर ठीक ठाक चला पेपर में? सर मैंने तो जब जिस भी क्वेश्चन में ज्यादा मैं अटकता था वो मैं फिर स्किप कर देता था, चाहे वो किसी भी टॉपिक का, क्योंकि अब सब टॉपिक आपको बराबर नंबर देंगे तो सच किसी एक टॉपिक पटक जाना तो यही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। जब आपका पेपर इस लेवल पे आ जाए तो मैं बहुत बार बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि यार पूरा पेपर एक बार देख लो, क्या पता पूरा का पूरा पेपर ही वैसा है, मतलब एक बार ऐसा भी ऐसी सिचुएशन होती है कि शुरू के 5 क्वेश्चन टफ है फिर पूरा पेपर इजी है, बट जब आपको लग रहा है कि नहीं यार हर क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है, पैनिक कर रहा है, हर क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, तो एक बार पूरा पेपर देख लो, फिर अपना माइंड सेट बना लो एक मिनट के अंदर कि पेपर इस बार का भाई ऐसा ही है, अपने को पूरा पेपर नहीं करना है, अपने को बहुत सिलेक्टेड करते हुए चलना है और ज्यादा कहीं रुकना भी नहीं। तो ये चीज ना जिन बच्चों ने इस बार करी है वो बच्चे अच्छे रैंक ले आए हैं, और जहां बच्चा ना इसमें उलझता रह गया क्योंकि बच्चे ने भी ये देखा यार इकोनॉमिक लॉड डिस्पैच का क्वेश्चन जो आना है वो एक ही वैरायटी का बनता है, लोड लॉसेस और विदाउट लॉसेस, अब उसके बाद फिर हम क्या ही जाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज दिक्कत कर गई है स्टूडेंट्स। ये तो है। ओके सो प्रद्युम्न, अभी फिर क्या प्लान है आगे का? सर अभी जैसा पहले बताया मेरा प्लान तो शुरू से एमटेक का ही था। तो कोई ब्रांच स्पेशलाइजेशन सोच के रखा है?
या कोई ऐसा आईटी सोच रहा है मैं इसमें जाऊंगा, क्योंकि आप मिलना तो सब कुछ है? यस सर, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में ही जो VLSI वगैरह है इसी में ट्राई करूंगा मैं। और कॉलेज कौन सा प्रेफर करोगे? कॉलेज सर मैंने बेसिकली IISc का सोच के रखा कि उसमें दो तीन ब्रांचेस में मैं ट्राई करूंगा जो इसी से रिलेटेड है, VLSI से रिलेटेड है। ठीक, IISc सोच के रखा है, राइट। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और कभी मन में ये नहीं आया पब्लिक सेक्टर का? नहीं आया मन में PSU का? जैसे बहुत सारे बच्चे गेट देते हैं, यार हमारा पब्लिक सेक्टर में नौकरी लग जाए तुरंत एकदम। नहीं सर ऐसा कुछ, एक्चुअली मैं जब शुरू में तैयारी कर रहा तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी रैंक आ पाएगी कि PSU डायरेक्ट मिल पाएगा। मैं शुरू से ही साइड में था कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, मतलब एक वो रहता है कि क्या आगे इतना पढ़ पाएंगे, तो मैं शुरू से यही सोच के बैठा था कि मैं पढ़ लूंगा, नहीं भी आएगी ज़्यादा तो। और फिर जैसे जैसे पता चला जो सीनियर्स वगैरह गए थे, फिर और मोटिवेट हुआ मैं कि हाँ यही करना चाहिए। नहीं सर, असल में ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट क्या फोकस करता है पता है सर? जल्दी जल्दी कमाना चालू कर दे। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी कहीं जॉब लग जाए और मैं कमाना चालू कर दूं। ये लर्निंग है, इस चक्कर में वो गेट की जर्नी को भी इंजॉय नहीं करता। मेन वही है सर, जो पढ़ना चाहता है, जो इस ऑब्जेक्टिव से जाता है कि यार नहीं मेरे को पढ़ना है अच्छे से, तो वो क्या होता है, वो ये सोच के जाता है कि यार मेरे को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो ये भी बन जाएगा फोर्थ ईयर के बाद, ठीक है, प्रद्युमन भी बन जाएगा, और आपने भी 4 साल बीटेक में दे दिए, मगर आपने कितना वहां से गेन किया, मशीन को कैसे पढ़ाया, पावर सिस्टम को आपने कैसे पढ़ाया, क्या उसकी एप्लीकेशन को आप समझ पा रहे हो? तो जब तक वो उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो रिजल्ट कैसे निकलेगा? आज इसको PSU भी मिल सकता है, मगर ये फिर भी प्रेफर कर रहा है कि नहीं यार मैं जितना लंबा पढ़ सकता हूँ, देखो नौकरी तो करनी है, कर लेंगे, जितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ, एमटेक कर सकता हूँ, PSU या जो भी, जहां तक मैं कर सकता हूँ, जितनी उसका एम होगा तो कर सकता है, वहां पे वो पढ़ना चाह रहा है। तो पढ़ने की इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है स्टूडेंट्स की, क्योंकि देखो प्रद्युमन हम ये जो सेशन कर रहे हैं ना, वो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से जो तुमने अचीव किया है, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट, और आपके मोटिवेशन से कोई अगर स्टूडेंट इंस्पायर हो जाता है और वो कुछ लाइफ में कर जाता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि आपके रैंक के लिए नहीं हो सकती। एक स्टूडेंट भी मोटिवेट हो जाए, मतलब तो एक स्टूडेंट आपको जो खुद मिलेगा वो तो है ही, मगर आपसे अगर एक दो स्टूडेंट अगर मोटिवेट होके कुछ कर लेते हैं, तो यार इससे मतलब ये लाइफ सफल है अपनी, फिर समझ रहे हो तुम? यस सर। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हो जो राइट नाउ अभी आपके भी जूनियर्स होंगे और अभी 2024 का गेट देंगे? सबसे पहले तो ना उनके मन में दो ही चीज होगी, हर एक बच्चे के मन में आज के डेट में गेट में तीन चीजें। पहला, पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू जॉब्स नहीं आ रही है, तो ये तो मैं क्लियर करता हूँ कि राइट नाउ आना स्टार्ट हो चुकी है वापस से। अभी बीच में थोड़ा कोविड वाला इशू था, बट राइट नाउ फिर भी आना स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल और ECE और CS ब्रांच के बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब अगर हम देखें तो राइट नाउ इंटेल क्वालकॉम में इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में VLSI हो गया या SPCOM हो गया, इनके प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं, 31-36 ऑन एवरेज जा रहा है सब बच्चों का। एक एक बच्चा दो दो कंपनीज में भी प्लेसडेड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी कहीं तक बेकार हो सकता है। और सही बात करें तो अगर फ्यूचर की भी बात करें तो यार इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे का भी इंटरेस्ट भी उसमें जा रहा है। और तीसरा, एक बच्चा ना पैनिक इसलिए हो रहा है कि यार गेट का पेपर तो ऐसा आ गया, मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात, एक बच्चा अभी का सुन के थोड़ा घबराएगा कि यार ये कैसे हो गया, मेरा हमारे सीनियर थे वो तो इतना पढ़ाई करते थे, उनके 22 नंबर आए, तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी पैनिक होगा, मैं तो इनसे कुछ भी नहीं हूँ, है ना? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहते हो यार? हाँ, तो बेसिकली जो आपने एक दूसरी बात बोली थी कि अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, तो वो कंपनीज में बैठने की आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप एमटेक के लिए जाओगे, क्योंकि बीटेक लेवल में बहुत ही कम ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये कंपनीज आती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए एक आपको एमटेक करना ही पड़ेगा, एमटेक या PhD, तो वो एक मोटिवेशन आपके लिए रहता है। दूसरा, देखो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें आप कभी भी ये देख कर जज नहीं कर सकते कि हमारे सीनियर ही इतना पढ़ते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस वगैरह में इतने नंबर नहीं आ पाते हैं, पर कंपटीशन में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो दोनों चीजें काफी डिफरेंट होती हैं, दोनों चीजों में काफी अलग तरीके का माइंडसेट चाहिए। क्योंकि मैं भी जब, हाँ ये करते ही हैं, सब लोग करते हैं कि जब प्रिपरेशन में होते हैं तो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि उन्होंने वो इतना पढ़ते थे, वो इतनी रैंक लाए, मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं कितनी ला पाऊंगा। राइट। तो कई बार सही भी होता है, पर मोस्टली देखो सबका दिमाग अलग अलग होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है। तो एक बार आप करके देखिए, जब आप पढ़ोगे शुरू में ही, जब आप पढ़ोगे, और वैसे भी कॉलेज में सब्जेक्ट्स वो होते ही हैं तो पढ़ना तो पड़ता ही है, तो उनके साथ इनिशियली स्टार्टिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर अच्छा लगे, अच्छा लग, बेसिकली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट जगेगा उस चीज़ में, तो फिर काफ़ी अच्छा पढ़ने में मज़ा आता है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल मिला के जर्नी हम जितनी अच्छी बनाए रिजल्ट अपने आप आ ही जाता है। रिजल्ट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार अपना एम डिसाइड करना है और अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं प्रद्युमन ने तो थर्ड और फोर्थ ईयर में किया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कॉलेज में है, अभी सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे। तो स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं कि पास आउट होके ही हम करें, ठीक है पास आउट होने के बाद आप एक अच्छा टाइम आपको मिल जाता है, और कॉलेज में आपको दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं, एक तो कॉलेज की पढ़ाई भी होती रहती है क्योंकि अगर गेट का तैयार कर लिया आपने तो सेमेस्टर के लिए तो हो ही गया तैयार, ठीक है, तो आना वही सिलेबस है, कोई सिलेबस अलग नहीं है गेट का की अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मोटिवेशन स्टूडेंट को मिलना चाहिए और डट के लगना चाहिए। देखो एंड रिजल्ट क्या मिलता है वो तो आप देख रहे हो कि वो तो बाद में चीजें पता चलेंगी कि आपको कितना अच्छी चीज है। स्टूडेंट क्या है सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाता है, बोलता है कह रहे यार मेरे को तो ठीक है 3-4 लाख का ही पैकेज लग जाए, जल्दी से मैं कमाने लग जाऊं, आने लग जाए। ये इस चीज को थोड़ा बड़ा सोचने की जरूरत है स्टूडेंट को, कि जब वो बड़ा सोचेगा कि नहीं यार मेरे को कुछ अच्छा बेहतरीन करना है, भाई कंपनी आएगी देखेगी दो लोग हैं, एक बीटेक वाला है, एक एमटेक वाला है, एक एमटेक आईएससी से है, वीएसआई में, तो भाई वो तो उसको बोलेगी आप हमारे साथ आओ। नहीं सर, एमटेक वालों का प्लेसमेंट ही अलग है, मतलब कंपनीज आती हैं आपके आरएनडीज के लिए लेके जाना है कंपनीज को, मोस्टली एमटेक्स को ही प्रेफर करना है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग टाटा की जितनी कंपनीज है पीजीईटी अलग से लेती है और इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग उनकी पोस्ट के नाम ही अलग है, तो कहीं ना कहीं एमटेक के प्लेसमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा बेहतर जा रहे हैं राइट नाउ, और वो करना भी चाहिए कि स्टूडेंट को, मतलब आप जिस कॉलेज से टीयर थ्री कॉलेज से बिलोंग करते हो वहां पे प्लेसमेंट्स के नाम पे अगर हम देखें तो हार्डली 6, 8 या 10 आईटी कंपनीज हैं, 3-5 के पैकेजेस हैं, 2 या 3 कंपनी अच्छे आते हैं, जैसे प्रद्युम ने भी देखा होगा 2 या 3 कंपनीज कुछ होंगी ठीक ठाक, अदरवाइज मोस्टली सब आईटी कंपनीज है राइट। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहता है कि यार अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होना चाहिए अगर हम इतना कर रहे हैं, और एक और कॉलेज के थ्रू आउट भी कर देंगे सर तो बेस्ट ये है कि आपको तुरंत उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी सर, कंपनीज आती हैं, मतलब अच्छी कंपनीज भी अगर आ रही हैं तो वो जो वर्क कल्चर, जो वर्क करने को मिलता है आपको एज अ, अगर आप एज अ बीटेक के बाद जाते हो और एमटेक के बाद जाते हो तो वो काफी अलग अलग काम आपको मिलते हैं, जॉब रोल भी डिफरेंट होता है, राइट राइट राइट। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आज लग जाती है सर्दी आ जाए हम पहुंच जाए, मगर काम क्या है ये थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि यार काम भी इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या काम करने वाले, उसमें हमें इंटरेस्ट है कि नहीं, उसमें हमें मजा आ रहा है कि नहीं, आज तक हमने जो पढ़ाई करी उसको यूज, वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मगर ये शुरुआत में नहीं पता चलता, ये थोड़े देर टाइम के बाद पता चलता है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा लंबा सोचना चाहिए, बड़ा आगे सोचना चाहिए कि यार आगे क्या चीजें होने वाली है, राइट। और मैं सर स्टूडेंट्स को भी ना यही बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रद्युम, मतलब प्रद्युम ने जो मेच्योरिटी डेवलप करी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, यार मुझे ना काम करना है, मुझे वर्क, ये मतलब इतनी सारी चीजें बच्चा गेन ही नहीं कर पाता है, उसको एक्चुअल में काम करने के बाद पता चलता है कि मुझे अब क्या करना है यहाँ पे आके, तो मतलब अगर एक स्टूडेंट उस फेज में भी है तो एटलीस्ट पहले पढ़ाई तो ढंग से कर ले, उसके बाद भी कुछ चीजें हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट अगर पहले से भी मैच्योरिटी डेवलप करता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो ठीक है प्रद्युम, और हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीके से, और कुछ अचीव करो यार बढ़िया एकदम, एमटेक वगैरह में भी जाओ और वहां भी थोड़ा और ज्यादा जाके धूम मचाओ, है ना, और अभी तो मस्त मजा आने वाला है आपको, आईएससी जाओ, है ना, कॉलेज की हॉस्टल का बढ़िया वाला खाना भी खाओ, अभी वाले में तो नहीं मिला होगा इतना अच्छा, ठीक है, तो वहां वाले में एंजॉय करो थोड़ा, ठीक है जी सर, थैंक यू, सो थैंक यू सो मच सर, चलो थैंक यू प्रद्युमन, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। And हो गई सर, चलो प्रद्युमन अच्छा लगा तुमसे बात करके, चलो अच्छा ठीक है, चलो फिर अभी फाइनल कर लो जैसे भी हो, मैं अभी हैंसिंग से और बात करता हूँ, एक बार वो आपको कॉल कर लेगा, तो अपन फिर कल सुबह तो मिल ही रहे हैं, तो मेरे को बता देना, फोन कर देना आप, तुम तो अभी जो इनके साथ जो भी डिसाइड होगा मेरे को बता देना, तुम कब आ रहे हो तो मैं यहाँ आ जाना, मेरे घर ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये मतलब भोपाल में कौन सा बस स्टैंड या कौन सा पास पड़ेगा, जो भी है तुम तो मेरे हिसाब से तुम्हारे यहाँ से जो वो है ना क्या बोलते हैं शुरुआत में अपना गुफा मंदिर लाल घाटी या तो अब अपन बात कर लेंगे क्योंकि तुम कितने बजे पहुंच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम सुबह सुबह पहुंचोगे तो लाल घाटी,
और नहीं तो फिर ISBT। ठीक है सर। ठीक है, तो ISBT में आपको उठा लूंगा, पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बात कर लेंगे। इसलिए पहले कन्वर्स का बात कर लेते हैं, हैंसिंग क्या बोल रहा है, कितने बजे की बुकिंग हुई है, फ्लाइट कितने बजे बुक हुई है, आप भी अपना पता लगा लो कैसे आप आ सकते हो, कितने कितने बजे क्या बस है, क्या है, कोई टैक्सी हो तो टैक्सी कर लें अपन, जैसे भी हो। ठीक है, बात करते फिर अपन मिलेंगे तो बात करेंगे वहां पे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। ओके बाय।